ड्रोन के मदद से आपको दिखा रहे स्टेडियम का हाल काफी खूबसूरत हो गया, क्लीन कर दिया गया है। अभी रणजी ट्रॉफी मैच वगैरह यहाँ पर होते रहता है और स्टेडियम अच्छा से बनने के बाद, रेनोवेट होने के बाद और पब्लिक का भीड़ जुटेगा। ये देखिए पूरा खंडहर है, देख रहे हैं, यहाँ पर से पूरा हम लोग मैच देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं उजय, स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। तो आपको आज मोनेगो के स्टेडियम का अपडेट देने वाले हैं। बहुत कमेंट आ रहा था भैया कब इसका रेनोवेशन का काम होगा, तो लास्ट तक ब्लॉग बने रहिए। अभी हम लोग राजेंद्र नगर के पास, यहाँ से राजेंद्र नगर से यहाँ का मेट्रो काम भी चल रहा है। CA भी देखिए लिखा हुआ है, क्रिकेट अकेडमी, इसी के अंदर हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए अंदर लेके चलते हैं। तो दोस्तों अभी मोनेगो स्टेडियम के अंदर आ चुके हैं, यहाँ का आपको अपडेट देने वाले हैं। पता चला इसका रेनोवेशन का काम स्टार्ट होगा, अभी चुनाव खत्म होगा इसके बाद ही होना है, मतलब 3-4 महीने के बाद इसका काम बहुत तेजी से स्टार्ट होगा। अंदर आप लोग देख सकते हैं घास वगैरह ये सब फिर से देखिए आ गया है, हरा हरा पत्ता दिख रहा होगा, देख रहे हैं घास वगैरह फिर से आ चुका है अंदर का। इस पर ड्रोन का अच्छा शॉट ले लिया, पूरा आपको दिखा भी देंगे। बाकी ये सब इधर का जो मतलब जो सीढ़ी है ना वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इधर का ज़्यादा ठीक है, लेकिन उधर का जाइएगा ना तो बहुत एकदम जंजर टूटा फूटा है। उधर का चल के आपको हल्का फुल्का दिखा देते हैं और स्कोर बोर्ड देखिए, जूम करके आपको दिखा रहे हैं, स्कोर बोर्ड भी आपको चल के दिखा देते हैं या पुराना वीडियो का चल के दिखाएंगे अंदर का कैसे पहले कैसे टूटा हुआ है, जंजर है। चलिए तो देख लीजिए अंदर लेके जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं अंदर का हाल आप दिखाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ चेंज किया जाएगा। पूरा गंदा था, पूरा साफ कर दिया गया है, ऊपर खड़ा होकर भी मैच देख सकते हैं। घास वगैरह पूरा था, यहाँ पर पेड़ कटा वटा था, सब कुछ साफ कर दिया गया। अब थोड़ा साफ सुथरा भी लग रहा है, बैठने के लिए अच्छा कर दिया गया है, फिर भी स्टेयर वगैरह एकदम सड़ा हुआ है। बताया गया कि 2-3 महीने के बाद यहाँ पर रिनोवेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर से स्टेडियम को चकमक बनाया जाएगा। बोर्ड वगैरह चल के कोशिश करते हैं अंदर चल के आपको दिखाने का, ब्लॉक कर दिया गया है। आज ऊपर लेके आप लोग को चलते हैं, देख लीजिए पत्ता वगैरह गिरा हुआ, लेकिन इसको पूरा साफ किया गया है, झाड़ू उड़ू पूरा दिलाया गया है। लास्ट टाइम आया तो पूरा नीचे एकदम पेड़ था, लग रहा कि आग सेकने के लिए बंदोबस्त किया गया है। यहाँ से हम लोग ऊपर लेके आपको चलते हैं, ये देख लीजिए ये भी पूरा सड़ा हुआ है एकदम, देख रहे हैं यहाँ से ऊपर वेली ऊपर खड़ा होकर देखती है मैच, लीजिए अपना रिस्क पर है, देख रहे हैं ये भी पूरा सड़ चुका है। अपने रिस्क पर चढ़िए, गिर गया टूट गया तो आप लोग समझिए। ये देखिए ऊपर खड़ा हो गया भाई, देख रहे हैं, देख लीजिए ऊपर से जा सकते हैं, ये जो उतरने चढ़ने के लिए है ये पूरा एकदम सड़ा हुआ है ऊपर, ये तो सुरक्षित है फिर भी इसको रिपेयरिंग का जरूरत है, देख रहे हैं फट फट के टूट टूट के निकल गया। ड्रोन की मदद से आपको दिखा रहे स्टेडियम का हाल काफ़ी खूबसूरत हो गया, क्लीन कर दिया गया है। इतना बेइज्जती होने के बाद पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड वालों ने पटना का मोनेगो स्टेडियम देख लिया, उसके बाद इसको साफ किया गया है। मैच के पहले ही इसको ऐसा करवा देना चाहिए था, या फिर बेइज्जती से बचने के लिए पटना के ऊर्जा स्टेडियम में मैच करवाना चाहिए था। बाकी ओवरऑल तो अब इसको पूरा क्लीन कर दिया गया है, आगे चल के आपको वीडियो में पूरा दिखाते हैं और अच्छा से। ये देखिए पूरा झाड़ उड़ जितना है सबको क्लीन कर दिया गया, इतना देख रहे पेड़ पेड़ यहाँ पर कटा हुआ है, देख लीजिए भैया अकेले खड़े हुए, देख रहे हैं यहाँ पर पूरा पेड़ जितना था सबको काट दिया गया है। अब थोड़ा क्लीन, बहुत क्लीन दिख रहा है, थोड़ा नहीं बहुत क्लीन दिख रहा है। और ये हम लोग का रन वाला देख लीजिए, यहाँ से रन देखते हैं तो पूरा सड़ा हुआ है, लग रहा है कि किसी का हमला हो गया था, जला दिया गया वैसा दिखने में लग रहा है। ये देखिए ऊपर चल के थोड़ा आपको दिखा देते हैं, पूरा खंडहर है, ये देखिए पूरा खंडहर है, देख रहे हैं यहाँ पर से पूरा हम लोग मैच देखते हैं, मैच सॉरी यहाँ पर पूरा आप लोग का मैच का स्कोर वगैरह दिखाया जाता है, स्कोर बोर्ड ये पूरा एकदम खंडहर बना हुआ है, देख सकते हैं पूरा इसको क्लीन कर दिया गया है। पहले झाड़ू पूरा था, अब ये पूरा क्लीन हो चुका है, अभी भी थोड़ा इसको चेंज करना होगा, स्टेयर सबको थोड़ा रिपेयरिंग का ज़रूरत है। बाकी ऐसे तो बढ़िया है, स्टेडियम ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, लास्ट टाइम आया था तो गंदगी लग रहा था, अब बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। ठीक है पीच तो भाई स्टेडियम मोनेगो के स्टेडियम का बहुत बढ़िया है, इसको ख़राब नहीं बोल सकते हैं, बस स्टेडियम को थोड़ा रिपेयरिंग का ज़रूरत है। और बोर्ड का हाल तो आप लोग को दिखा दिए, बेहाल है। तो राजगीर का स्टेडियम तो बन ही रहा है, उसमें लग रहा है कि 2025-26 अभी खींचने वाला है, 23-24 दिया गया था लेकिन देखने से नहीं लग रहा है इतना जल्दी होने वाला है। अभी पटना मोनेगो स्टेडियम का रेनोवेशन काम होगा, तो IPL तो मेरे को नहीं लगता कि इस स्टेडियम में पाएगा, क्योंकि IPL बहुत बड़ा स्टेडियम होता है, लेकिन राजगीर का जब स्टेडियम बन जाएगा तो वहाँ पर IPL मैच भी आप लोग देख पाएंगे। जी हाँ, यहाँ तो मेरे को नहीं लगता पॉसिबल होगा, बट यहाँ भी रणजी ट्रॉफी मैच वगैरह यहाँ पर होते रहता है और स्टेडियम अच्छा से बनने के बाद, रेनोवेट होने के बाद और पब्लिक का भीड़ जुटेगा और टिकट का प्राइस भी लगेगा। ऐसे तो टिकट का प्राइस नहीं लगता, फ्री रहता है, बट जब यह पूरा रेनोवेट हो जाएगा और अच्छा से पूरा स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर टिकट भी लगने वाला है, क्योंकि अभी जो मैच चल रहा था उस समय बिल्कुल फ्री था, फ्री एंट्री था, कुछ भी आपको टिकट नहीं लग रहा था, तो लोगों का भीड़ हम लोग को देखने मिल रहा था। लेकिन जब टिकट लगेगा फिर भी लोगों का यहाँ भीड़ होगा, पटना वाले मैच को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं। क्रिकेट स्टार्ट होता है ना
रोड पर जो कोचिंग से निकल के स्टूडेंट आ रहा है वो भी वहीं पर रुक रुक जाए, आपको लगेगा कि दुकान में शॉप में लड़ाई हो रहा है, फिर देखेगा क्रिकेट मैच देख रहा है रुककर। तो इंडिया में तो क्रिकेट का क्रेज़ है लेकिन बिहार में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, मतलब लोग पब्लिक क्रिकेट एकदम ऑटो में हो ट्रेन में हो क्रिकेट मैच देखना स्टार्ट कर देते हैं कहीं भी। चलिए दोस्तों से छोटा सा अपडेट था, फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।